नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं शुभम। इस समय पहुंच चुका हूं उरई सदर विधानसभा में, जो जालौन डिस्ट्रिक्ट में आती है। हम यहां जानेंगे लोगों से क्या है कि इस बार माहौल किसका बना हुआ है, कौन इस बार आने वाला है, जालौन से किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं और सदर की सीट किसकी झोली में जाने वाली। तो मेरे साथ में एक भैया खड़े हुए हैं, क्या नाम है भैया जी? हमारा नाम प्रदम त्रिपाठी है। त्रिपाठी, कौन आने वाला है की बार उत्तर प्रदेश में और कौन इस सीट से कौन जीतने वाला है, जो ये सदर की सीट है? इस बार देखिए कि क्या समझ में आ रहा है कि मिलीजुली लहर समझ में आ रही है। जैसे कि अपन ने देखा था 2017 में पूर्णता बीजेपी की लहर थी, लेकिन इस बार कई क्षेत्रों में बीजेपी के लोगों से लोग नाराज हैं। तो कैसे? जैसे कि हम लोग पहुँच जाएँ ये कालपी तरफ पहुँच जाएँ, जैसे कि छोटे लाल हैं उनकी थोड़ी लहर अच्छी है, लेकिन क्या लाल किस पार्टी से? छोटेलाल निर्दलीय खड़े हो गए, क्योंकि उनको निर्दलीय खड़े हो गए। हाँ, उनको टिकट नहीं दिया गया। कारण ये है कि इस बार कुछ ब्राह्मण लोग भी थोड़े नाराज हैं। क्यों ब्राह्मण क्यों नाराज हैं? राम मंदिर तो एक पूरे हिंदुओं के लिए था। ब्राह्मण ठाकुर भी आते थे उसमें, ब्राह्मण भी आते थे, एससी एसटी भी आते थे। ऐसा तो नहीं कि क्या मुद्दे, क्या ब्राह्मणों के क्या मुद्दे उसमें? ब्राह्मणों के मुद्दे ये हैं, जैसे कि रिजर्वेशन के लिए हम लोग का था 10%। हाँ, 10% तो क्या है कि हमारा जो 50% था उसमें ही 10% हम लोग का कंपटीशन बढ़ा दिया गया एक तरीके से, जो यानी कि आर्थिक आधार पे जो आरक्षण मिलना चाहिए उसके समर्थक में हैं। उसके समर्थक हैं आप। अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि रोजगार के लिए योगी सरकार से कितना खुश हैं आप? रोजगार के लिए तो हम नहीं कहेंगे कि खुश हैं, क्योंकि आप देखिए बड़ी मुश्किल से तो टेट हम भी अलर्ट कर रहे एक तरीके से। तो जैसे कि अभी टेट करवाया था, तो टेट में क्या हुआ कि इन्होंने आखिरी टाइम पे, अब ये तो लोगों का सोच है कि मिलीजुली ऐसी क्वेश्चन की रणनीति रही जिस कारण से इन्होंने टेट का पेपर आउट करवाया या हो गया जो कुछ भी रहा। फिर उन्होंने परीक्षाएं बताई जा रही, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आ पा रहा, इसलिए और भी जो युवा हैं वो नाराज हैं। हाँ, युवा अब देखिए जैसे कि अभी टेट का जैसे उन्होंने पेपर करा भी दिया तो उसका रिजल्ट पे अभी रोक लग गई, और वो तो जाहिर सी बात है कि एक महीने के बाद एक तो एग्जाम हुआ उसके बाद फिर से रोक लग गई। मतलब कोई भी भर्ती, जो भी भर्तियां आ रही हैं कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो पा रही। अच्छा, अखिलेश सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? अखिलेश सरकार से क्या रखते हैं कि उनके में एटलीस्ट कम से कम जॉब तो मिलती थी बंदों को, इनके में अभी तक कोई वैकेंसी पूर्णता एक बार में हुई नहीं है पूरी, तो हम लोग क्या अपेक्षा करें इनसे? अच्छा, अखिलेश सरकार अगर आती तो क्या लगता कितना सुधार हो पाएगा शिक्षा में? और जो अखिलेश सरकार में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम होता है, हुआ है, हाईवे बिछे हैं चारों तरफ। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखा जाए तो अभी इन्होंने अपना कोई प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल में इतना बड़ा कोई चालू किया नहीं है, जो पहले चले आ रहे थे उसी के इन्होंने फीते काटे हैं, है ना। लेकिन ये है कि सपा सरकार में थोड़ा क्या सपा सरकार, हाँ, गुंडियाई थोड़ा बढ़ जाती है, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। मिली जुली, वही मैंने कहा था शुरुआत में, कहा था कि मिली जुली लहर है इस बार। काम अगर देखा जाए तो इस बार किसको वोट दे? ये तो भाई थोड़ा बताइए कि इस बार किसको वोट दे रहे हैं? क्या सब जितना एनालिसिस किया आपने उसमें किसको आप सही रख पा रहे हैं कि नहीं ये सही हैं? हमारा जो मानना है कि इस बार तो हम बीजेपी को ही देंगे। क्यों? अभी तो आप बता रहे थे रोजगार मुद्दा बनेगा। अगर वुमेन सेफ्टी पे देखा जाए तो बीजेपी सरकार में बेस्ट रहा, भले ही अखिलेश महिलाओं के अगर अपराध की बात करें तो फिर आप हाथरस उठा के देख सकते हैं। उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव हुए, हाँ। उसमें आप देख सकते हैं लखीमपुर कांड, देख सकते हैं कई ऐसे केसेस हुए हैं, वो तो फिर भी आप महिला सुरक्षा की बात कैसे कर सकते हैं? महिला सुरक्षा की बात ऐसे करते हैं, देखिए वो तो एक बड़े स्तर का मामला जो सामने आ गया, अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें जो बहुत ऐसे केसेस होते हैं जो सामने नहीं आते हैं, अगर उस चीज़ को देखा जाए तो बहुत बहुत नीचे कर दिया गया। जैसे कि अब आप देखें कहीं पर भी चले जाएँ तो लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हम रात में भी जा सकते हैं। यानी अमित शाह जो कहते हैं कि बेटी जो है उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, उससे आप सहमत हैं? सहमत हैं कि ये सरकार में सुरक्षित हैं। अब हम आपको बताएं, मेरा एक फ्रेंड था तो उसको क्या हुआ कि उसकी बहन के साथ थोड़ी कुछ लड़कों ने छेड़खानी करी। यहीं का मामला होगा? यहीं का मामला है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि अरे नहीं नहीं बिल्कुल। तो क्या हुआ कि अगर यही सपा सरकार होती तो जो उस लड़का, वो लड़का जो था वो सपा सरकार के ही उसमें था पार्टी से, तो वो नहीं, उसका केस लिखा जाता रात के 2 बजे, सब लोग कोतवाली में हम लोग रहे, उसका केस नहीं लिखा जाता। यही बीजेपी सरकार थी तो
उन्होंने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन उसको लड़के को झुकना पड़ा एटलीस्ट। कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी पे जो लगा एक टैग है, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देता है।